good morning everyone. Welcome back in your English class. Today we will do chapter number 2 from our grammar book, and name of our chapter is Naming Words. Naming Words. You know what are the meaning of naming words? Naming words ka matlab kya hota hai? As we see naming, naam wale, theek hai? Naam wale shabdon ko hum sandha kehte hain. Naam wale shabdon ko hum naming words kehte hain. नाम वाले शब्दों को हम नाम कहते हैं. अब हमारे पास थ्री नेम्स आ गए. हिंदी में हम इन्हें संख्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, और जब आप और सीनियर सेक्शंस में जाओगे, जब आप और बड़े हो जाओगे, सो ये नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं हमारे नाउंस. सो नेमिंग वर्ड्स जो नाम वाले शब्द होते हैं, किसका नाम होता है? सभी चीज़ों का नाम होता है. तो ना सिंपल लैंग्वेज, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, सभी चीज़ें नाउन है. Words that name of a person, place, animal or thing are called naming words. किसी person, place, thing, animal or bird का जो name होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? Naming words. तो हमारे पास category है. This is our chapter number 2 from our grammar book C. So यहाँ पे हमारे category क्या हुए हैं बच्चे? नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, सभी चीजें नेमिंग वर्ड. हमने भी आपको बताया एवरीथिंग इज नेमिंग वर्ड. तो अपनी कैटेगरी क्या है इसमें? पर्सन, प्लेस, थिंग, chapter 2 naming words. Words that name a person, place, animal or thing are called naming words. किसी व्यक्ति, स्थान, जंतु और वस्तु को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स. एज आई टोल्ड यू कि हमने सिर्फ कैटेगरी डिवाइड कर दी यहाँ पे, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है, उसे हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो पर्सन देखिए नेमिंग वर्ड है ये, एवरीथिंग इज अ नेम, ठीक है, एवरीथिंग इज हैज़ अ नेम, तो सभी के नेम होते हैं. और नेम होते हैं कौन कौन होते हैं उस कैटेगरी में, कौन आते हैं? पर्सन आते हैं, लाइक ये तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर इज ऑल्सो नेमिंग नाउन, नेमिंग वर्ड, ठीक है, पर्सन है. नेक्स्ट इज प्लेस, पार्क, थिंग, दिस इज अ बुक, एनिमल, मंकी. सो नेम ऑफ अ पर्सन, बार्बर, ड्राइवर, टीचर, टेलर. एंड नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, लायन, क्रो, हॉर्स, आउल. नेम ऑफ अ प्लेस, हिल, जू, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, ठीक है, ये सब क्या है? प्लेसेस हैं. ये सब क्या है? हमारे एनिमल्स हैं. नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ थिंग्स, बस, ट्री, फ्लावर, टेबल, बॉल, ऑल आर द थिंग्स. सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द नेम्स ऑफ पर्सन टू द करेक्ट पिक्चर. अब यहाँ पे पर्सन की पिक्स बनी हुई हैं, फोटोज बनी हैं, यू हैव टू मैच. फर्स्ट इज क्लोन, जोकर, सो यू हैव टू मैच विद द क्लोन. नेक्स्ट इज पुलिसमैन, सो हमको पुलिसमैन के साथ इसे मैच करना है. नर्स, पोस्टमैन एंड द गार्डनर. सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सी नेम द प्लेसेस आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर टेक हेल्प फ्रॉम द क्लाउड. सो ये क्या है बेटा? हॉस्पिटल. ये क्या, व्हाट इज दिस? हॉस्पिटल, ठीक है. हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? बस स्टॉप, किचन, हॉस्पिटल, गार्डन एंड होटल. सो दिस इज होटल,
H-O-T-E-N. And here is, someone is cooking food. So, कहाँ पे cook होता है? खाना कहाँ बनता है? Yes, in the kitchen. K-I-T-C-H-E-N. Kitchen. Now, next is, bus stop. So, bus stop. And last is, what is this? Garden. G-A-R-D-E-N. Garden. Okay, this are question number 2. Question number 3. Write the names of the birds and animals below the given picture. ठीक है, पिक्चर दिए हैं, इसके नीचे आपको नेम लिखना है. Take help from the cloud. तो क्या क्या इस क्लाउड में? ऑस्ट्रिच है, काउ है, हेन, जिराफ, गोट एंड टाइगर. सो ऑलरेडी काउ लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज हेन, एच ई एन, हेन. नेक्स्ट इज गो, जी ओ ए टी, गो. एंड नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिच, ओ एस टी, ओ एस टी आर आई सी एच, ऑस्ट्रिच. नेक्स्ट इज टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर. एंड द लास्ट नेम ऑफ एनिमल इज जिराफ, जी आई आर ए डबल एफ ई. ओके, सो टुडे वी विल डू ओनली दीज 3 क्वेश्चंस. नेक्स्ट आपके वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अपना क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. ओके, बाय, टेक केयर एवरी.